नमस्कार दोस्तों, हमारे वशीकरण ज्ञान ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और मैं आज एक और वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर आ चुका हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही फायदा होने वाला है। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत काम का है। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि एक दूसरे व्यक्ति को अपने वश में कैसे करें, अपने काबू में कैसे करें। तो मैं इसके लिए कुछ टोटका आप सबके बीच में बताने वाला हूँ। तो ये टोटका जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप लोगों को करना है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से देखना होगा इस वीडियो को, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी पूरी बात समझ में आएगी। और जब तक पूरा बात आप लोग नहीं सुनिएगा, नहीं समझिएगा, तब तक टोटका काम नहीं करेगा। क्योंकि एक एक बात को जैसे मैं बताने वाला हूँ वैसे याद रखना है, और साथ में कहाँ, कब, कैसे दोहराना है। तो ये वीडियो सिर्फ है आप किसी शादीशुदा महिला को वश में करेंगे, कुंवारी लड़कियों के लिए ये वीडियो नहीं है। बस शादीशुदा औरत जो भी है उसको आप वश में कर सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इतना सा सिंदूर लिया गया है, इतना सा सिंदूर आपको ले लेना है। हाँ, ध्यान रहे वो लाल कलर का नहीं, गुलाबी कलर का होना चाहिए। एक बिल्कुल लाल होता है तो ये गुलाबी में है, ये लाल नहीं है। ठीक है, चाहे स्क्रीन पे अलग अलग कलर दिखता है लेकिन आपको गुलाबी ही लेना है, क्योंकि हम भी गुलाबी लिए हुए हैं। ठीक है, गुलाबी लिए हैं तो देख लीजिए ध्यान से, गुलाबी सिंदूर इतना सा आपको बस ऐसे एक पेपर पे, कागज पे रख लेना है। और आपको क्या करना है, जिस व्यक्ति को आप वश में करना चाहते हैं उनका तो सबसे पहले आपको नाम पता होना चाहिए। अगर नाम नहीं पता है तो उनके शरीर का, जैसे कि औरत जब कंघी करती है ना, तो उनका बाल देखिए, कि जैसे कि अगर आप किसी के चाहत में रहते तो आप उनके आसपास जरूर जाते होंगे। तो औरत आजकल तो जो है वो कंघी करके बाल कहीं फेंकते हैं, कहीं रखते हैं, उनमें से कम एक बार, या आप नहीं ला सकते हैं तो किसी बच्चे को सिखा के भेज सकते हैं कि उनके घर जाओ और जब वो कंघी करेंगे तो एक दो बाल उठा कर ला कर दे देना। बस आपको दो एक दो बाल लेना है। ठीक है, वो बाल लेना है और उस बाल को सेंदूर में पूरा इस तरह से मिक्स कर देना है। ठीक है, मिक्स कर देना है, मतलब इसमें फेंकना चाहिए थोड़ा ऐसे। और उसके बाद में आपको एक मंत्र पढ़ना है, जो कि ये मंत्र आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। ये मंत्र आपको ध्यान से सुनना होगा क्योंकि इसी मंत्र से आपका काम होने वाला है। तो इसमें क्या करना है, जैसे हम मंत्र बोलेंगे उसी तरह आपको ये रट लेना है। ठीक है, तो आपको इस बाल को जो और सिंदूर को हाथ में लेना है। ठीक है, और हाथ में लेना है, और जैसे आपका जैसे नाभि, जैसे ढोंगरी होता है ना, उस पे सटा कर आपको एक मंत्र बोलना है, ओम नारायण गुरु नमो नमः। ओम नारायण गुरु नमो नमः। ये मंत्र आपको 5 बार बोलना है, और 5 बार बोलने के बाद में जो आप बाल
बाल और थोड़ा सिंदूर अपने ढोरी पे सटा कर रखे हुए थे नाभि पे, वो फिर इसमें मिक्स कर देना है। ठीक है, मिक्स करने के बाद में आपको क्या करना है, इस चीज को जो है उसके घर के आसपास जाइए, और उसके द्वार जो होता है मतलब उसके द्वार पे गेट पे फेंक दीजिए, आप फेंक दीजिए या किसी से फेंकवा दीजिए, जहाँ तक वो आती जाती होगी घूमने उस जगह पे, ताकि उसका पैर से कभी ये लंघन हो जाए, है ना। उसके बाद में वो स्त्री आपको खुद ढूंढते हुए आपके पास आएगी, कोई भी बहाने से आपसे बात करेगी, नहीं तो खुद बेचैन हो जाएगी, पागल की तरह उनको बेचैनी हो जाएगा, और उनके अंदर आपसे पहले से भी किसी के लिए मन में चाहत प्यार होगा वो सब खत्म, बस आपको ही ढूंढेगी। जितना हम मंत्र आपको बताएं इसी को बिल्कुल इसी तरह से करना है, और ध्यान से देख लीजिएगा और इसी तरह से करना है, 100% गारंटी के साथ काम करेगा करेगा। आप लोग इस टोटका को आजमा कर देखिए, और हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसा ऐसा वीडियो और भी टोटका वीडियो हम आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। तो धन्यवाद भक्तों, आपने इतना समय दिया, हमारा वीडियो देखा और शेयर कर दीजिएगा, फिर अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं।